बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज फॉर फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। और आज हम लोग जा रहे हैं हेलमेट लेने, मतलब हेलमेट लेने इन द सेंस कि देखने। मैंने एक्चुअली एक हेलमेट देखा हुआ है लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जाते हैं देखते हैं शॉप पे, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी शॉप पे मैं जा रही हूँ, कहाँ से मैं ले रही हूँ। बिकॉज जो मेरा स्टड्स वाला हेलमेट है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ उसका फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली आई डोंट नो प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मैंने उसका पैडिंग भी चेंज करके देखा पर स्टिल वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। और मैं जब भी पहनती हूँ तो आफ्टर 10 to 15 minutes मुझे बहुत सर दर्द हो जाता है, जो कि मेरे रॉयल एनफील्ड वाले हेलमेट में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम स्टड्स को अवॉइड करें देन मेरे पास सिर्फ एक ही हेलमेट रह जाता है जो कि है रॉयल एनफील्ड का। तो आई ऑलवेज ट्राई कि एटलीस्ट मेरे पास 2 helmet पड़े हो, मतलब अगर एक या एक में कोई प्रॉब्लम हो या एक में ना पहन पाऊँ या कुछ भी हो तो दूसरा मेरे पास पड़ा हो जिसको मैं एज अ बैकअप में उसको यूज़ कर सकूँ। तो अभी जो स्टड्स वाला हेलमेट है वो मैं पहनती तो हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले जितनी भी राइड्स स्टड्स का हेलमेट ही पहनती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा। मैं सर दर्द के साथ पूरा राइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो हेलमेट बहुत टाइम से देखा जब हमने हेलमेट ले लिया था तब से, बट मैं उसको नहीं ले रही थी बिकॉज मेरे पास इनफ थे, मेरे पास 2 helmet ऑलरेडी थे तो फिर फालतू खर्चा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फाइनली अभी नीड है, ज़रूरत है, तो क्यों ना उस ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी दिया जाए। फाइनली वी आर गोइंग टू द शॉप और ये हमारे भोले बाबा, और यहाँ पर आज ट्रैफिक जाम है बिकॉज यहाँ पर आगे कुछ काम चल रहा है, बहुत टाइम हो गया उसको और अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक भी लग जाता है। वगैरह सब खुल रहा है अभी ना, प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि शॉप खुलते हैं 10-11 बजे और बंद हो जाते हैं 3 बजे, उसके बीच में ही हमें करना पड़ता है काम, जो भी हमें करना हो, जो खरीदना वरीदना हो देखना हो वो उसके बीच में ही हमें करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा धूप भी इसी टाइम में होती है, सो नाउ हमें ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 बजे गए आराम से तो फिर बंद हो जाएगी शॉप। वाली शॉप आ गई हमारी बुलेट राजा, ऐसे अगर कोई आपसे अच्छे से बात कर ले पूछ ले वगैरह, क्योंकि इतना कॉमन नहीं है ना अभी तक, बट आई होप कि ये जल्दी से बहुत कॉमन हो जाएगा दूसरी कंट्रीज और दूसरी स्टेट की तरह। सो फाइनली वी आर एट होम, हम लोग हेलमेट लेकर घर आ चुके हैं। और ये वाला वीडियो मैं थोड़ा देर से बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है बाहर की गर्मी अभी समर में। सो मैंने जो आपको वीडियो में जो हेलमेट दिखाया नियॉन ग्रीन कलर का, वही हेलमेट हमने परचेज़ किया है। मैं जो पहले वहाँ जाती थी
बुलेट राजा में, तो मैं उस हेलमेट को हमेशा देखती थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता था यार आई रियली वॉन्ट दिस हेलमेट, बट मैं उस वक्त नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे, तो फालतू खर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं होता फिर। तो फाइनली अभी मुझे मिल गई वजह लेने की, क्योंकि मेरा जो स्टड वाला हेलमेट है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया वीडियो में कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो फाइनली हमने डिसाइड करा कि हम ले लें। और फाइनली जो मैंने दिखाया था अपने वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया ग्रीन वाला, ये वाला हेलमेट हमने लिया वो है SMK का। सो हमारा रेगुलर यहाँ पर वेंटिलेटर है जो नॉर्मली हेलमेट में होता है, इधर भी वेंटिलेटर है, बैक साइड पे भी वेंटिलेटर है। मतलब ये हेलमेट ECE सर्टिफाइड है, सो दिस इज यूरोपियन ECE सर्टिफाइड, जो कि बहुत अच्छा होता है। मतलब ECE सर्टिफाइड हेलमेट को बहुत अच्छा माना जाता है, सेफ्टी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आई थिंक इसी की वजह से इसकी प्राइस भी इतनी है। इसकी प्राइस है 3800 और इसमें एक चीज़ है कि ये जो इसका वाइज़र है ये एंटी फॉग वाइज़र है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो ग्लास, ये एंटी फॉग ग्लास है और ये अंदर इसके साथ ही आता है, ये आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हेलमेट वाला ब्लॉग हो गया, हमने दिखा दिया हमने जो भी लिया था, मतलब जो हेलमेट हमने लिया इट्स SMK हेलमेट और मैंने वही बुलेट राजा की शॉप में से लिया और इसकी प्राइस है 3800। और दूसरी चीज़ कि मैंने जो मेरा लास्ट ब्लॉग था जिसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने हिमालयन की टेस्ट ड्राइव ली है, वो मनाली वाले ब्लॉग में भी आई मेंशन, रुद्रांशी एक सपना है और आज नहीं तो कल कभी भी बस उसको घर लाना ज़रूर है। और फाइनली हमने हिमालयन की टेस्ट ड्राइव ली और अभी प्लानिंग तो मतलब पिछले साल से है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। कुछ पॉजिटिव वाइब्स तो दिख रहे हैं बट कब आएगी आई डोंट नो, बट रुद्रांशी बहुत जल्द अपनी लाइफ में आने वाली है, दैट्स फाइनल। और आई विश कि जल्दी आए, होप फॉर द बेस्ट। कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं लेकिन बस भोले बाबा जल्दी ला दे, जल्दी रुद्रांशी आ जाए। मतलब पहले से, जब से मैंने शिवांशी, जब से शिवांशी घर आई है तब से ऐसा था कि उसके पहले से इवन मुझे हिमालयन बहुत पसंद था और ऑलवेज ऐसा चाहती थी मैं कि हिमालयन आए, लेकिन उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिर वो हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और इसका जिक्र मैंने मेरे मनाली वाले ब्लॉग में भी किया है कि यार रुद्रांशी तो सपना है बिल्कुल, बस लेट्स सी क्या होता है। बस एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, जो भी होगा आगे मैं शेयर करती रहूँगी, बट अभी अभी के लिए पॉजिटिव वाइब्स दिख रहे हैं आगे का, होप फॉर द बेस्ट। जय भोले, आगे देख लेंगे भोले बाबा।